वेलकम बैक टू माय चैनल योगिता किचन। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन पूरन पोली, जो महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस। पूरन पोली बनाने के लिए मैंने ये 100 ग्राम चना दाल ली है। चना दाल मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। इसमें मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करके इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये पकेगी तब तक हम आटा लगा लेते हैं। पूरन पोली का आटा लगाने के लिए हमें लगेगा ये गेहूं का आटा, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून और वाटर। दस मिनट के बाद हमारी यह दाल अच्छे से पक गई है। अब हम इसको धीमे आंच पे पकाएंगे शुगर ऐड करके। इसमें मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। आप इसमें जागरी भी ऐड कर सकते हैं। ये मुझे ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है, इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किया है। अगर आपको मीठा बनाना है तो आप 4 या 5 ऐड कर सकते हो। शुगर अच्छे से मिक्स हो गई है दाल में। अब हम इसे स्ट्रेनर की मदद से दाल को पीस लेंगे। स्ट्रेनर की मदद से हम दाल ये पीस लेंगे। ये जल्दी से निकल जाती है। आप देख सकते हैं नीचे दाल निकल रही है। हमारी दाल पीसकर रेडी है। इसमें हम अभी डालेंगे बारीक पीसी इलायची और ये थोड़ा सा जायफल का पाउडर, पिंच ऑफ जायफल पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा फुल के रेडी है और हमारी दाल भी रेडी है। अब हम इससे पूरन पोली बनाएंगे। आटे से मैंने ये छोटी सी लोई ली है, इसको मैं थोड़ा सा बेलूंगी। जैसे हम आलू के पराठे करते हैं वैसे थोड़ा सा बेलना है। इसमें अभी मैं दाल स्टफ करूंगी। इतनी दाल मैंने इसमें स्टफ की है, अब ये अच्छे से बंद करना है। ये मैंने अच्छे से बंद कर लिया है। अब इसको हल्के हाथ से बेलना है आटा लगा के। पैन पे मैं थोड़ा सा नीचे घी लगाऊंगी हल्का सा। मेल्ट हो गया है घी, मतलब ये पैन गर्म हो चुका है। अभी मैं इस पे जो मैंने पूरन पोली बेली है वो डालूंगी। देखो कितनी आसानी से निकल गई है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। ये जब तक सेकती है तब तक मैं दूसरी पूरन पोली रेडी करूंगी। हम नीचे से देखेंगे ये कितनी पकी है। पलटा कर ऊपर से घी लगाना है।
थोड़ी सी पकने के बाद अच्छे से घी लगाना है। घी लगाने से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और खाने में भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप देखेंगे कि ये कैसे फूल रही है। ये पूरी तरह से फूल गई है। कचौरी जैसे हो गई है ये। अभी ये पूरन पोली बनके बिल्कुल रेडी है। सॉफ्ट सॉफ्ट गर्मा गर्म पूरन पोली ये हम आमरस के साथ खा सकते हैं, दूध के साथ, बासुंदी के साथ और खीर के साथ खा सकते हैं। हमारी पूरन पोली बनके रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।